रिजर्व पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में मंगलवार को एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में व्यापारी प्रकोष्ठ की मासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों को चलाने और व्यवसाय करने में आ रही कठिनाइयों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस संबंध में एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि व्यापारियों के साथ प्रत्येक माह मासिक बैठक की जाती है। बैठक में व्यापारी बंधुओं की जो भी समस्याएं होती हैं उन्हें सुनकर उनका समाधान करना सुनिश्चित किया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा, व्यापारियों की सुरक्षा के संबंध में शासन और हमारे डीजीपी महोदय काफ़ी संवेदनशील रहते हैं और हमेशा इसके बारे में चर्चा होती रहती है। कल भी एक आगे गया था, फिलहाल मैं उसको भली भांति देख नहीं पाया, लेकिन तो मैंने माफ भी किया था। कोई नई बात नहीं, एक समय समय पर आप लोगों की मीटिंग करके आप लोग जो भी समस्या जो है उसको देख करके जो हम लोग के स्तर से पुलिस के स्तर से इसका समाधान होना है, उसका समाधान हम लोग समय से करें, समय पर तरीके से करें। हमारे मीडिया बंधु भी हैं, प्रत्येक थाना प्रभारी अपने थाना क्षेत्र में ऐसे संवेदनशील मार्ग आदि का स्थान जो अपराधियों के आवागमन का चिन्हांकन किया गया, चिन्हित किए गए स्थानों के आसपास पुलिस मित्र एवं जनता के गतिविधियों से सामंजस्य स्थापित करने हेतु अभिसूचना संकलन की दिशा में कार्रवाई की जाए एवं अपराधियों की गतिविधियों की अभिसूचना मिलने तथा उनके द्वारा घटनाकारी कर भागने के मार्ग में जानकारी अपनी संभावना कर उस मार्ग पुलिस मित्रों को भी सचेत किया जाए ताकि अपराधियों के विषय में तत्काल प्राप्त जानकारी मिल सके। अपराधियों के आवागमन के दृष्टि चिन्हित किए गए संवेदनशील स्थानों को समय एवं स्थान को दल बदल कर चेकिंग कराई प्रत्येक थाने पर एक मोटरसाइकिल दस्ता बनाया जाए जो मार्गों पर संदिग्ध व्यक्तियों विशेष रूप से मोटरसाइकिल पर सवार कम उम्र के लड़कों की चेकिंग करते हुए यह चेकिंग आवश्यकता अनुसार समय एवं स्थान बदल कर की जाए। एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइज रहे जिसे रूटीन चेकिंग के रूप में न लिया, चेकिंग के समय के आस पास के टैंक आदि की भी चेकिंग किया जाए। चेकिंग का उद्देश्य अपराधियों की पहचान करने के लिए होना चाहिए। ऐसे संदिग्ध वाहनों की प्रत्येक दशा में चेकिंग करते हुए वाहन का सत्यापन के माध्यम से किया जाए। अतः चेकिंग करने वाले अधिकारी कर्मचारी भाषा समय प्रभारी के समय समन्वय स्थापित कर संदिग्धों की पहचान करेंगे। मोटरसाइकिल ऐसे अपराध कार्य करने वाले जिन अपराधियों का गैंग कंट्रोल में आया उनके खुद गैंग चार्ज लगाकर गैंग रजिस्टर की कार्रवाई की जाए। व्यापार जैसा कि आपने बताया कि व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ के संबंध में यह मीटिंग प्रत्येक माह हम लोग ये पुलिस लाइन में आयोजन करता है जिसमें व्यापारी बंधुओं को बुलाया जाता है। व्यापारी बंधु काफ़ी संख्या में इसमें उपस्थित भी होते हैं और ये प्रत्येक माह हम लोग विदाउट फेल इस मीटिंग का आयोजन हम लोग करते हैं और जो अपेक्षाएँ हैं शासन की, हमारे डीजीपी महोदय की, और ऊपर से कोई दिशा निर्देश प्राप्त होता है उसके संबंध में भी हम व्यापारी बंधुओं को अवगत कराते हैं। कल भी एक इस तरह से इनकी सुरक्षा के संबंध में एक पत्र जारी हुआ था, उसके बारे में भी इनको बताया गया और ये इनकी समस्याओं को सुना गया। यूँ तो कोई खास समस्या सा किसी के द्वारा ऐसा नहीं बताया गया, खासतौर से व्यापारी बंधुओं के साथ अगर कोई रंगदारी संबंधी कोई मामला होता है वो सबसे महत्वपूर्ण मामला होता है। फिलहाल ऐसी कोई समस्या निरंतर का विगत दो वर्ष में या उससे ज़्यादा ही हो रहा है, कोई समस्या नहीं आई है। शासन प्रशासन के स्तर से इनके से संबंधी भी इस तरह से कोई समस्या नहीं आई है। ये यातायात संबंधी कोई मामला या जो ठेले पे कुछ लोग अपना कारोबार करते हैं उसको लेकर के एक शिकायत बताई गई, उसको संबंधित क्षेत्राधिकारी के माध्यम से इसका निराकरण करवा रहे हैं।